तो बजट पे सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है और विपक्ष की तरफ से भी। विपक्ष इस पे कह रहा है कि ये उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, और वहीं परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये बजट आम जनता का बजट है, ये बजट उम्मीदों को पूरा करने वाला और सपनों को साकार करने वाला बजट है। मोदी सरकार का तीसरे बार की सरकार है और बजट पेश किया है, मैं सर बात करने मौजूद है प्रधानमंत्री जयशंकर सिंह जी, पहली प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं इस बजट को? ये बजट आम आदमी के लिए राहत देने वाला है, मध्यम वर्गीय परिवार की जो प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर इसमें छूट दिया गया है। जिस तरह से मान लीजिए जैसे मोबाइल है, चार्जर है या और भी जो छोटे छोटे जो वस्तुएं हैं वो जो लोग यूज की है, प्रतिदिन यूज की है, उस पर छूट दिया गया है, तो आम आदमी को इसे राहत मिलेगा। सोना चांदी पर जिस तरह से छूट दी गई है, जिसके कारण अब सोने चांदी के भाव बहुत बढ़ गया था, हमारे माताएं बहनें शादी ब्याह में, एक भारत की एक बहुत बड़ी वो है कि शादी ब्याह में हम लोग सोना चांदी के गहने अपने बेटियों के बहनों की शादी में देते हैं, तो ये बहुत देश के सभी ऐसे परिवार हैं उनके लिए बहुत बड़ा राहत भरा ये बजट है। और विकास की दृष्टि से देखें तो जैसे जो ऐसे राज्य थे जो अभी विकास में पीछे हैं, जैसे बिहार में 26 करोड़ रुपया सड़क के लिए दिया गया है, तो ये सब चीजें एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये बजट सरकार बचाने वाला है, आंध्र प्रदेश को दे दिया 15,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए आपने दे दिया है बिहार को, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। देखिए जो राज्य अभी मुख्य धारा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है, आप यहाँ की ग्रोथ देखिए बहुत ठीक है, और आज देश और दुनिया के लोग आ जा करके उत्तर प्रदेश में अपने कल कारखाने लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को भी बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कैसा देखते हैं इसको, कितना नंबर देंगे 100 में से इस बजट को, और क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना भी दिल्ली से जो आता है सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट उत्तर प्रदेश में होता है, तो इस बार फिर से आप लोग इसको पूरा करेंगे? देखिए आम आदमी के लिए बजट है, विशेष करके गरीबों के लिए बजट है, तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, तो मैं इसके लिए निर्मला सीतारमन जी को और मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे बजट को प्रस्तुत किया है जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए है, जो उनके लिए रोज आवश्यकताएं हैं जो है उस चीजों को इन्होंने सस्ता किया है, ये बहुत एक बेहतर बजट है, इसके लिए बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी दर्शकों कहते हैं कि हम बधाई देते हैं, गरीबों के लिए आम जनता के लिए बजट है, इससे आम जनता को बहुत राहत होगी, उत्तर प्रदेश में हमेशा से नजर रही है और हमेशा से उत्तर प्रदेश पे नजर रहेगी। वीडियो लिस्ट